दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई में इतना सारा सोना कहाँ से आया और कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ पाया है या नहीं? और नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन भाई साहब ने तो बच्चों के स्कूल को भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं आज की फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कई बार तो सुना होगा कि दुबई में सोना काफी सस्ता मिलता है। क्या वहाँ पर शेख शिख के कोई बापजादाओं की खदान है? वहाँ सोना इतना सस्ता मिलता है? जो दरअसल दुबई में सोने की एक सीक्रेट गुफा है, यानी खदान। वहाँ पर ढेर सारा कच्चा सोना मिलता है और एक्चुअल में वहाँ ये रीजन है कि वहाँ पर सोने पे कोई टैक्स नहीं होता। सॉरी, ये वाले सोने पे नहीं, ये वाले सोने पे भी कोई टैक्स नहीं होता। इसमें पूरे अपोजिट इंडिया में सारे सोने पे टैक्स होता है। आपको चिमकाना, ढमकाना, अमकाना सभी टैक्स देने होंगे। तो भी आप सिर्फ सोचिए कि इतना टैक्स होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर गोल्ड माइन भरे पड़े हैं। अगर टैक्स ना होता तो सभी लोग यहाँ पर नहाते भी सोने से, खाते भी सोने को, रहते भी सोने में और धोते भी सोने से। मेरा मतलब कार था भाई लोग। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? अगर आपके दिमाग में माउंट एवरेस्ट आए तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन इससे तो हजारों लोग चढ़ चुके और ऊपर भी जा चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत एकमात्र ऐसा पावन और पवित्र स्थान है जहाँ महाकाल का वास माना जाता है, और ये इतना खतरनाक है कि इस पर अब तक एक भी इंसान चढ़ नहीं पाया है। यूज रल्टन ने 1926 में सभी आधुनिक उपकरणों के साथ कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। मौसम और समय में बदलाव दिशा भ्रम होने लगे। ऐसे कई वैज्ञानिक समझ गए कि यह हमारे समझ से भी बाहर है। यही नहीं, लाखों सालों से बहुत जनों ने इस पे चढ़ने के प्रयास किए, लेकिन कैलाश के आधे रास्ते तक भी कोई पहुंच नहीं पाया। कैलाश पर्वत तिब्बत में मौजूद है और वो भारत और चीन की सीमा पर है। 2001 में चीन ने रशिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक आखिरी प्रयास करने की सोची, जिससे वो चढ़ पाए। लेकिन वो चढ़ते ही लैंडस्लाइड होने शुरू हो गए। कुछ ही ऊंचाई के बाद हड्ड की धड़कने बढ़नी शुरू हो गई। उंगलियों के नाखून और बाल तेजी से बढ़ने शुरू हुए। चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। मानो समय 2 से 4 गुना तेज हो गया था। और उससे भी बढ़कर साइंटिस्ट ने यह कहा कि यह कोई ऊपर शक्ति है जो हमें ऊपर आने से रोक रही है। वो उनको पता है या नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ऊपर कौन सी शक्ति है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फैक्ट नंबर 1। नॉर्थ कोरिया में सभी चीजों के लिए कानून बना है, सुई से लेके हाथी तक, हंसने से लेके फैट तक। इस मोटे ने स्कूल को कैसे छोड़ा होगा? इस कद्दू ने तो स्कूल के लिए भी अलग और काफी 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 फालतू मकसद के कानून बनाए हैं। नॉर्थ कोरिया के स्कूल में 3 घंटा चलता है, उसमें से 1.5 घंटा तो 3 महापुरुषों के बारे में ही बताया जाता है। कद्दू, कद्दू का बाप, कद्दू का दादा। इस पर कई बार पेरेंट्स ने अपनी चिंता जाहिर की, तो इस पर भी किम जोंग उन ने एक विकास का कायदा बना दिया। और वो विकास किसका होगा ये आपको अच्छे से पता है, ये किम जोंग उन का ही विकास होगा। तो जैसे जापान में बच्चों को अपने क्लास साफ करने के लिए सिखाया जाता है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया में बच्चों को अपना क्लासरूम, बाथरूम, स्कूल और आसपास का सभी साफ करना पड़ता है। आपने स्कूल की दीवारों पर देखा होगा कि हमारे यहाँ असंख्य खतरनाक महापुरुषों की तस्वीरें लगी होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में स्कूल की दीवारों पर बॉम्ब, टैंक्स, मिसाइल और कद्दू के बाप दादा और उसकी ही तस्वीरें लगाई जाती है। और वही किम जोंग उन की झूठी कहानियां बड़े ही खतरनाक तरीके से बच्चों को रटाई जाती है। वहां पर कहानियां फेंकने का लेवल अल्ट्रा मैक्स, प्रो मैक्स होती है, जिससे सुनकर कोई भी बच्चा आगे जाके किम जोंग उन का विरोध ना कर पाए। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो।